दोनों सुरक्षित हो जाए। केवल हम सोचते हैं कि धन या ऐश्वर्य दे करके हम अपने बच्चों को सुरक्षित बना रहे हैं। सुरक्षित धन कन्या बाह्यता दे करके हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं बना सकते। उनको सुरक्षित बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता है। बाह्यता के द्वारा मनुष्य सोचता है ऐसा ही, बढ़िया सा घर हो, बैंक बैलेंस हो, कार हो, कोठी हो, बहुत सारा धन धन हो तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। इन वस्तुओं के द्वारा आज तक कोई सुरक्षित हो ही नहीं पाया। कितना भी आपके पास धन हो, उस धन के द्वारा आप अपने दुख से मुक्त नहीं हो सकते। एक मन की समझ है कि बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर के पास जाएंगे, यहां नहीं इलाज हुआ तो विदेशों में जाएंगे, पानी की तरफ पैसा बहाएंगे और ठीक हो जाएंगे। बात गलत है। जब तक वो कर्मों का भोग है, जो किया हुआ है वो जब तक चुकता नहीं किया जाता, तब तक उस बीमारी से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा शास्त्रीय सिद्धांत है। जो चिरोग तेज औषध तेज देवता, ये तिन्नी मिलती तर जिए या जाए, ये सिद्धांत है ब्रह्म विद्या शास्त्र का कि कर्मों का भोग जब तक है तब तक आप लाख प्रयत्न कर लीजिए, उससे मुक्त नहीं हो सकता व्यक्ति। तो भौतिक वस्तुओं के द्वारा यदि कोई सुरक्षा चाहता है तो वो समझ उसकी गलत है। सुरक्षा केवल धर्म के द्वारा हो सकती है, और धर्म यह लौकिक सुरक्षा देता है और पारलौकिक के लिए भी सुरक्षा प्रदान करता है। धर्म यह लौकिक सुरक्षा, धर्मे न हन्यते व्याधि, जिसके पास धर्म है वो धर्म के द्वारा उसकी जो शारीरिक और मानसिक व्याधि यानी पीड़ा तकलीफ दुख बीमारी वो धर्म के द्वारा हन्यते दूर हो जाती है। धर्मे न हन्यते व्याधि, किसी प्रकार की भी शारीरिक मानसिक तकलीफ हो दुख हो, जो व्यक्ति धर्म करता है धर्म मार्ग पर चलता है तो धर्म उसकी सहायता पहुंचाता है। धर्मे न हन्यते ग्रह, धर्म जिसके पास है, ग्रह यानी नवग्रह शनि राहु केतु, जितने भी सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत ग्रह है जिसकी मान्यता है लोगों में कि ये ग्रह आया तो ये पीड़ा हो सकती है, वो ग्रह गया तो वो पीड़ा हो सकती है, तो शास्त्र यह कहता है कि धर्मे न हन्यते ग्रह, धर्म जिसके पास है तो ग्रह भी कुछ नहीं कर पाते। या सामान्य तकलीफ उठा करके वो व्यक्ति उस दुख से पार पा जाता है। धर्मे न हन्यते शत्रु, किसी से अनबन है उसके कारण मन मस्तिष्क जगह पर नहीं है तो धर्म वहां पर भी सहायता करता है। यतो धर्म ततो जय, जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। तो देना क्या चाहिए बच्चों को, हमारा कर्तव्य क्या है माता पिता होने के कारण कि बाकी कुछ जैसा तुम देते हो ऐसा ही उनको धर्म देने की आवश्यकता है। यदि तुम उसे धर्म देते हो तो तुमने उसकी सुरक्षा कर दी, उसके शरीर की सुरक्षा कर दी, उसके आत्मा की भी सुरक्षा आपने कर दी। थोड़ी बहुत सहायता बाह्य वस्तुओं के द्वारा सुरक्षा की थोड़ी बहुत अल्प सा मानी जा सकती है, लेकिन सुरक्षा यदि पूर्ण सुरक्षा यदि चाहिए
तो धर्म के द्वारा ही सुरक्षा मिल सकती है। तो हमारा पहला कर्तव्य यह है कि हम अपने बच्चों को, जो हमारी जिम्मेवारी है, हम उनको खुशहाल देखना चाहते हैं, हम उनको लंबी उम्र में देखना चाहते हैं, हम उनको जीवन में ऊंचाई की ओर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जीवन में उत्कर्ष देखना चाहते हैं, तो उनको और कुछ दो या ना दो, उनको धर्म अवश्य दे दो। बाकी कुछ दिया न दिया बराबर है, क्योंकि जीवन का जो मूल उद्देश्य है सृष्टि रचना का, यानी संसार की रचना का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा का, वह संसार के भोग उपभोगों का नहीं है। मूल उद्देश्य परमात्मा का इस जीवात्मा को निर्मल शुद्ध करते हुए नित्य मुक्ति की ओर ले जाना, इस जीवात्मा को सुख दुख से परे ले जाकर के केवल आनंद से परिपूर्ण कर देना, यह परमात्मा का प्रमुख उद्देश्य है संसार की रचना करने में। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए परमात्मा ने हम आप सबको मनुष्य शरीर दिया, उसमें मन दी, बुद्धि दी, इंद्रिया दी, ताकि मन बुद्धि के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करके जीवन में अपना कर्तव्य क्या है, हम किस लिए यहां पर पैदा हुए, यहां आकर के हमारा कर्तव्य क्या है, इसके लिए ही परमात्मा ने यहां आकर के अवतरित होकर के ज्ञान दिया। और यही मूल उद्देश्य परमात्मा का है कि इस जीवात्मा को आनंद से परिपूर्ण कर देना, दुख से निवृत्ति कर देना। और वो कब होगी, जब जीवन में धर्म आएगा। जीवन में धर्म नहीं आएगा तो आज जो बच्चा आपकी बात मानता है कल नहीं मानेगा। आप लोगों की शिकायतें रहती है, बेटा कहां कहना नहीं मानता, बहू कहना नहीं मानती। बहू कहना तो तब मानेगी ना जब बेटा मानेगा। पुत्र सुपुत्र बना दिया है तुमने तो तुम्हारी बात मानेगा। और आजकल तो बहुत कुछ बदल चुका है, आजकल तो कुटुंब व्यवस्था जो है, पहले तो बोला जाता था वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते थे, चाचे ताए मामे, संयुक्त परिवार हुआ करता था। एक परिवार में 20 25 30 40 40 लोग हुआ करते थे। और आज के परिवार में आप देख लीजिए कौन कौन है, मैं, मेरी बीवी, मेरे दो बच्चे, और धीरे धीरे मां और बाप घर के बाहर धीरे धीरे। और कई जगह पर तो ऐसा है कि मां बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या तीन बेटे हैं या चार बेटे हैं तो साल के महीने गिना करके, तीन बेटे हैं तो चार चार महीने का पीरियड, चार महीने माँ इस घर में इस बेटे के पास रहेगी, चार महीने दूसरे बेटे के पास रहेगी, चार महीने तीसरे बेटे के पास, ऐसे ही पिताजी का 3 × 12। यानी अपनी जन्मदात्री जिन्होंने दुनिया दिखाई उस माँ बाप के लिए भी आज वृद्धाश्रम बन गया है, उस माँ बाप का भी बंटवारा हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसी कारण हो रहा है कि धर्म की जानकारी उन बच्चों को नहीं दी गई। धर्म ही तो सिखाता है
कर्तव्य भावना कौन सिखाता है? मनुष्य का अपना कर्तव्य क्या है ये कौन सिखाता है? दुनिया की जो शिक्षा दीक्षा है वो तो केवल धन कैसे अधिक से अधिक कमाया जा सकता है वो सिखाता है। धर्म के अलावा जितनी भी शिक्षा दीक्षा है वो क्या सिखाती है? अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए और अधिक से अधिक उपभोग कैसे लिया जाए, यही बाह्य शिक्षा सिखाती है। धर्म दोनों बातें सिखाता है, बाह्यता भी सिखाता है और आंतरिकता भी सिखाता है, दोनों बातें सिखाता है। तो धर्म जीवन में न उतरने के कारण मां बाप के बंटवारे हो रहे हैं, मां बाप को वृद्धाश्रम में डाला जा रहा है, या मां बाप की बात इस कान से सुनी जाती है और इस कान से निकाल दी जाती है, कोई औकात नहीं रही मां बाप की। कारण क्या है? तो एक में यदि कोई कारण है तो वह है धर्म।